पेरेंट्स नमस्कार, आई एम अजय कुमार साहू, डायरेक्टर सूरज प्रीमियर कॉन्वेंट स्कूल सुंदर भोपाल। डियर पेरेंट्स, काफी दिनों से इच्छा थी कि आपसे कुछ वार्तालाप करूं, इंटरेक्ट हूं, लेकिन वो संयोग आज बन पाया है। डियर पेरेंट्स, हम सब इस कोरोना से गुजरे हैं और 10-20% और गुजरना होगा, इसके बाद ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, जब मनुष्य का जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि एक छोटा सा कोरोना से गुजरना पड़ा। कुछ भी हो सकता था, भूकंप भी आ सकते थे, ज्वालामुखी भी आ सकते थे, लेकिन हम परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि एक छोटे से प्रॉब्लम से गुजरे। और मुझे विश्वास है हम सब स्वस्थ हैं, ईश्वर से कामना करते हैं और अपने अपने वर्ग पर हम संलग्न भी हैं। डियर पेरेंट्स, स्कूल 25 जून से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि सबसे पहले 9 से 12 तक स्टार्ट होंगी, इसके बाद 6, 7, 8। अभी जुलाई में स्कूल ओपन हो जाएंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी 4-6 दिन के अंदर आने वाली है। पूरी गाइडलाइन के अनुसार, पूरी सावधानियों के अकॉर्डिंग स्कूल प्रारंभ होंगे। जरूरी नहीं है एक साथ सभी बच्चों को बुलाया जाए, अल्टरनेट डे में बुलाना पड़ेगा, या एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 15-15 स्टूडेंट को बिठाया जाएगा। कहने मतलब हम अपनी ओर से पूरी सुरक्षा रखेंगे। डियर पेरेंट्स, इस सेशन में रोबोटिक लैब, जो कि ऐसे स्कूल जहां 1.5-2 लाख रुपए पर ईयर फीस लगती है, लेकिन यहां अपने स्कूल में रोबोटिक लैब अगस्त सितंबर तक प्रारंभ हो जाएगी। रोबोटिक लैब भारत सरकार का के गाइडलाइन के अनुसार ये लैब स्टार्ट होती है। तो ये हम सबका, अपने बच्चों का सौभाग्य है कि आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में एक रोबोटिक लैब, जो कि 500-700 इंजीनियरिंग मेडिकल उपकरण होते हैं, उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि रोबोट कैसे वर्क करता है, सैटेलाइट कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, स्टार्स और भी बहुत सारे प्रिंसिपल, वो सब हमें सीखने को मिलता है। इससे स्टूडेंट का माइंड डेवलप होता है। तो स्कूल किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता, हर पल हर समय स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए, उस स्टूडेंट के लिए स्किल्ड के लिए, विकास के लिए हर समय निरंतर संघर्ष करता है, सोचता है और उसको अपनी सोच को अपडेशन में भी लेके आता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, अपने अपने वर्क पे लगे होंगे। कोई टेंशन मत लीजिए जिंदगी में, शर्त यह है हम अपने वर्क को ईमानदारी के साथ करें। हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, फल फल पर नहीं है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो फल तो प्रकृति को हर हाल में देना होगा। हम जो कर्म का मतलब ड्यूटी, यदि हमारी ड्यूटी 100% ओके है तो प्रकृति, ईश्वर उसका कई गुना रिजल्ट देता है। तो आप किसी तरह कोई टेंशन ना लें। जो ऑनलाइन क्लास है अभी स्टार्ट 25 से हो रही हैं, लेकिन 27-28 तारीख तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जुलाई में स्कूल खुलेंगे और सबसे पहले हायर क्लासेस को प्रवेश दिया जाएगा, इसके बाद 6, 7, 8 क्लास, प्राइमरी क्लास हो सकता है 15-20 जुलाई के बाद ही, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम गाइडलाइन का इंतजार करें। अब इसी सेशन में आपके बच्चों के लिए एक सुविधा और दी जा रही है। अभी स्कूल ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में लगता है। ए ब्लॉक में प्राइमरी क्लास लगती थी और बी ब्लॉक में हायर सेकेंडरी क्लास, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, एक सी ब्लॉक, जो कि 4-5 हजार स्क्वायर फीट में 3 मंजिल बिल्डिंग बच्चों के लिए दी है। आप समझ सकते हैं कि स्कूल
ऐसा कोई फॉल्ट नहीं छोड़ेगा जिससे कि स्टूडेंट का विकास ना हो। शर्त यह है कि आप अपने बच्चों में एक ऐसे एक संस्कार पैदा करें। जब तक उनमें संस्कार नहीं होंगे कोई रिजल्ट नहीं था। परिवर्तन से कभी भी डरिए मत। हमेशा याद रखिए, परिवर्तन कुछ नुकसान तो होता है लेकिन कई गुना अवसर हमें प्राप्त होते हैं। बस पहचानना आना चाहिए। आप समझिए, एक हम एक नए टेक्नोलॉजी से गुजर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासों से गुजर रहे हैं, लाइव क्लास से गुजर रहे हैं। पहले कभी किसी ने सोचा था? तो ना यानी कितने सारे परिवर्तन आएंगे। हम और इन परिवर्तनों को बाकायदा पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से और पूरे कॉन्फिडेंस से सामना करेंगे। बाकी आपको पत्रों के माध्यम से सब कुछ समय समय पर अवगत कराया जाएगा और मुझे विश्वास है आप पूरी तरह से कुशल मंगल में ही होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप अपनी ड्यूटी पर जा रहे होंगे। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपने वर्क में 100% रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।